झारखंड के लघु और कुटीर उद्योग धंधों को अगर राहत और रियायत नहीं दी गई तो आधे से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। उद्योगों को खुला भले ही छोड़ा गया है लेकिन बाकी पाबंदियों से उद्योग धंधों को नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखें। सरकार ने उद्योग धंधों को बंद से छूट भले ही दी मगर उद्योग धंधे नुकसान में ही चल रहे हैं क्योंकि मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डिमांड है नहीं, कारीगर भी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पा रहे। फैब्रिकेशन उद्योग जो झारखंड में बहुत आयात पाया जाता है, वहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की पाबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी। ऑक्सीजन की उपलब्धता अब सुनिश्चित हो गई है, फिर भी ऑक्सीजन उद्योग धंधों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। उद्योग भी जो है अपनी अपनी सेक्टर वाइज वो 30% से लेके 50-60% कैपेसिटी तक चल रहे हैं। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जहाँ पे डिमांड नहीं है, या अभी गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन बेस्ड कुछ उद्योगों को जो फैब्रिकेशन वाले हैं चूँकि उनको सप्लाई नहीं हो रही है, हम लोगों ने उसके लिए भी अपील की है। चूँकि अब परिस्थितियाँ सुधर रही हैं और मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त है तो वैसे उद्योगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जा सके ताकि उनकी गतिविधियाँ चालू हों। पिछले साल लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने उद्योग धंधों को राहत पैकेज का ऐलान किया था। उद्योग धंधे से जुड़े लोग चाहते हैं कि इस साल भी उन्हें लोन मॉरेटोरियम में राहत दी जाए, बिजली बिल भुगतान में राहत दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आधे से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स चार्जेस हैं, लोन्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इन सब पर सरकार को एक बार सोचना चाहिए, रियायत देना चाहिए क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके भी पेमेंट्स हैं, व्यापारी को सब तरफ से मार हुआ है, तो सरकार को इसमें रियायत देनी चाहिए। साथ ही साथ लोन इंटरेस्ट इसमें भी अगर हमें मॉरेटोरियम जिस प्रकार लास्ट ईयर मिला था वो मिलना चाहिए। झारखंड में लघु और कुटीर उद्योग रोजगार सृजन का एक बड़ा साधन है जो पिछले साल थे मंदी का शिकार है, इस साल भी हालत वही है। अगर सरकार राहत रियायत और मदद नहीं दी तो उद्योग धंधों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार से तो उद्योग धंधे को कोई मदद मिलेगी इसकी संभावना कम है। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो बेल आउट पैकेज घोषित कर उद्योग धंधों को बचा सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।